आजमगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के संपूर्ण विकास व उनको स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं जो कार्य कर रही हैं उसी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग रोडवेज परिसर में की गई। शूटिंग देखने को लगी रही भारी भीड़। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। मैं गुलाब चंद सरोज, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत महिलाओं के संपूर्ण विकास, उनको स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि हमारे जनपद की जो बहनें हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ के जो आजीविका के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं, उन्हीं के कार्यों पे आधारित ये एक छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने देखा जब इस कार्य को तो बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे समूह की जो दीदियां हैं बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, जो बिल्कुल समाज की मुख्य धारा से बाहर भी जब इस योजना से उनका जुड़ाव हुआ तो आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा पहल कर रही हैं। उसी पर आधारित ये हमारी मूवी तैयार हो रही है। जनपद की 1,00,000 महिलाएं इस योजना से जुड़ी हैं और 1,00,000 महिलाओं में लगभग 70,000 महिलाएं कुछ न कुछ कर रही हैं। उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी जो सोच है, हमारे जिलाधिकारी महोदय की जो मंशा है कि जनपद की जो भी दीदियां हैं उन दीदियों के हाथ में एक छोटा रोजगार हो जिनसे उनकी जीविका में बढ़ोतरी हो और वो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन सके। ये मूवी तो हमारी 3-4 दिन की है लेकिन ये हमारी स्कीम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये कंटिन्यू अभी चल रही है। अभी जनपद के 15 ब्लॉकों में ये काम चल रहा है जो इंटेंसिव रूप से, और हम आगे चल के सभी 22 ब्लॉक में काम करेंगे।